जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं KG 1 का पेपर बनाने जा रहा हूँ। इंग्लिश पेपर कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, इसमें पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, इसमें राइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पेज की सेटिंग करते हैं, यहाँ पर पोर्ट्रेट या पे साइज A4 करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है, पेज की साइज नॉर्मल या नैरो, ठीक है। हम यहाँ सबसे पहले पेज की सेटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आज KG 1 या नर्सरी इंग्लिश के पेपर हम आज इस वर्ड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। यह फाइनल टर्म एग्जाम 2022, ठीक है। हम साइज देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से साइज स्टाइल, ठीक है, इसको हम सेंटर पे, ठीक है, इसको हम भी स्टाइल देते हैं, इसको भी हम सेंटर पे करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से हम कंट्रोल ही प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या माउस से हम सेंटर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे एक हम लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइन हम शिफ्ट प्रेस करके इसे हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ फिर लाइन सीधा ड्रा होती है, ठीक है। ये से हम कलर देते हैं, हम लाइन ऐसे शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, ऐसे लाइन हम ड्रा कर लेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके फिर लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे पेपर ड्यूरेशन पेपर के टाइम तकरीबन 3 आवर होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स या टोटल नंबर भी हम लिख सकते हैं, 100। पेपर इंग्लिश, ठीक है। हम इसको ऐसे साइज कम करेंगे, ठीक है, हम इसके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग हमने रिमूव किया है, यहाँ पर हम इसको ऐसे कम कर लेंगे, फिर यहाँ से हम ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नो आउटलाइन शेप में नो फिल हम ये कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम होम पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड, ठीक है। यहाँ से हम स्टाइल देते हैं, कौन सा स्टाइल, स्टाइल नहीं देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे हम क्लिक कर लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है,
write the missing letters यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सी यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे जी ऐसे हम आई खाली जगह या भी आप शेप पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे ठीक है। लाइन हम शेप मैंने से भी ड्रा कर सकते हैं ठीक है। यहाँ से हम शेप के जरिए से हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे इसके हम यहाँ कॉपी कर लेंगे ठीक है। कंट्रोल डी से भी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी हम कर सकते हैं ठीक है। वहाँ पे जाकर यहाँ से राइट क्लिक कॉपी वहाँ पे जाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं कंट्रोल डी कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है। यहाँ पे हम एम लिख दे ठीक है। यहाँ पे हम ओ लिख दे क्यों यहाँ पे हम डब्ल्यू लिखते हैं यहाँ पे हम ये जो मैं पेपर बन ये KG1 क्लास प्रेप क्लास नर्सरी इन क्लास के पेपर ऐसे ही बनते हैं MS वर्ल्ड में ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम ऑफ द पिक्चर्स write the name of the pictures ठीक है।
यहाँ पे हम पिक्चर देंगे इंसर्ट पे, या पहले शेप से हम एक ये ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम ये ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल डी सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, कॉपी बनाते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। हम इसको भी यहाँ से हम चार की साइज़ हम बराबर करते हैं। ठीक है, इसकी साइज थोड़ा हम इसे कम करेंगे। ठीक है, ऐसा हम पिक्चर देंगे। ठीक है, ये पहले पहले एप्पल वाला है। ठीक है, ये पिक्चर पे इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, शेप फील पे नीचे पिक्चर। ठीक है, ये पे बनाना केला। ठीक है, इस सेलेक्ट यहाँ पे शेप फील पिक्चर पे। ठीक है, यहाँ पे कप। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट फिर शेप फील पिक्चर, यहाँ पे हम ग्रेप्स अंगूर को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम नेट से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको भी तरीके बताऊंगा कि ये कैसे डाउनलोड होते हैं, इसके तरीके भी। ये हम इसको सेटिंग करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इसको इसको यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम नो आउटलाइन ख़त्म करते हैं। ठीक है, सब की आउटलाइन हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे शेप पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे और कॉपी करेंगे इसके सामने, कंट्रोल डी कर लेंगे इसकी कॉपी, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फोर। मैच द नेम their picture, match the name with their pictures.
Thank you.